हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, आज हम बनाएंगे फटाफट 5 मिनट में कढ़ी बनाएंगे। जब कभी खाना बनाने का मन नहीं होता है तो 5 मिनट में आप फटाफट कढ़ी बना सकते हैं और राइस बना लीजिए, आपका 5 मिनट में खाना बनके तैयार हो जाता है। चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में डाला है मैंने ऑयल, मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम बेसन का घोल बना लेते हैं। मैंने आधा कप बेसन लिया है और उसमें पानी डाल के इसका घोल बना लिया है। फिर हम बेसन में थोड़ा सा पानी डालेंगे और हम दही डाल देंगे। मैंने 1 कप दही लिया है, आप अपने खट्टे जितना आपको पसंद हो उसके अनुसार आप दही ले सकते हैं। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसमें पानी डाल के इसका पतला पेस्ट बना लेंगे। इसमें हमें बहुत पतला पतला बनाना है। फिर हम कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे ऑयल, ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे साबुत लाल मिर्च और हम डाल देंगे मेथी। फिर हम डालेंगे हींग, 1 चुटकी हींग डाल देंगे और जैसे ही ये भुन जाएगा फिर हम इसमें डाल देंगे हल्दी। हल्दी डाल के बस हमें मिक्स करना है, ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना है, नहीं तो हल्दी हमारी जल जाएगी। बस फटाफट से हमने जो अपना बेसन और दही का घोल बना के रखा था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। मैंने बेसन और दही के घोल में ढेर सारा पानी मिला लिया था, लगभग 1.5 गिलास। फिर उसके बाद हम और पानी ले लेंगे क्योंकि हम कढ़ी थोड़ा पतली रखेंगे क्योंकि इसको हमें बहुत देर तक पकाना है। कहते हैं कढ़ी मतलब कढ़ना, जितना हम इसको कढ़ाएंगे मतलब जितना हम इसको पकाएंगे उतनी ही कढ़ी हमारी टेस्टी बनेगी। तो इसमें हम पानी ज़्यादा डालेंगे और इसको देर तक पकाएंगे। फिर जब इसमें उबाल आने लगेगा तब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक हम पहले नहीं डालेंगे, अगर हम पहले डाल देंगे तो कढ़ी हमारी फट जाएगी क्योंकि दही इसमें फट सकता है। फिर हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। नमक हमेशा जब एक उबाल आ जाए तभी डालना चाहिए, वरना कढ़ी फट जाती है। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए, गाढ़ी हो जाए, तब हम इसमें डाल देंगे बूंदी। ये मैंने बाजार की बूंदी ली हुई है, आप चाहे तो बूंदी घर पे भी बना सकते हैं। फिर हम इसमें लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए हमने ले लिया है तड़का पैन, उसमें ऑयल लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा हम उसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्च और डालेंगे करी पत्ता, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे एक अच्छे से कलर आने के लिए। फिर जैसे ही हम कश्मीरी मिर्च डालेंगे बस इसको मिक्स करके हमें कढ़ी में इसका छौंक लगा देना है, नहीं तो हमारी लाल मिर्ची जो है वो जल जाएगी। फिर हम इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, हमारी फटाफट 5 मिनट में यमी डमी कढ़ी बनके तैयार है। तो जब आपका भी खाना बनाने का मन ना हो तो फटाक से कढ़ी राइस बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं।